हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो लास्ट टॉपिक हमने किया था, दैट इज़ अ फैराडेस फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ हुआ था और उसके ऊपर जितने फॉर्मूले बनते थे वो हमने डेवलप कर लिए थे। अब एक दो हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फैराडे के फर्स्ट लॉ का। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अ करेंट ऑफ 1.50 एम्पियर वॉज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रॉड्स। द वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड वॉज 1.50 ग्राम। हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो। क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। सवाल ये है कि एक करेंट है 1.50 का पास हो रहा है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन पड़ा है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन पड़ा है इधर। सपोज दिस इज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अच्छा, उसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा है, तो मान लीजिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होगा, यही इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, द वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड वॉज 1.50 ग्राम। कितना डिपॉजिट हुआ इस पर, 1.50 ग्राम हुआ। अगर जहाँ डिपॉजिट होता है, नो डाउट मुझे लगता है वो कैथोड होगा, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो इससे, ये लीजिए, और इधर कुछ एनोड होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपके लिए बना देता हूँ, मान लीजिए कॉपर है और इधर पड़ा है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जनरली हिसाब ये कहता है कि कैथोड होगा और ये क्या होगा, प्रोबेबली एनोड होगा। ठीक है, सपोज मैंने कॉपर ले लिया और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है 1.50 ग्राम। हालांकि क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा, ये बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, अच्छा ये रॉड जो लगाया होगा वो तो इनर्ट होगा, तो प्लेटिनम का होगा। चलिए, तो ठीक है, अब क्या कहते हैं हम कि आपके पास सवाल देख लीजिए, क्या दिया है, करंट दिया, दैट इज व्हाट, 1.50 एम्पियर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, और द वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड वॉज 1.5। कितना वेट ऑफ सिल्वर है, 1.50 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो, कितने समय के लिए करेंट फ्लो करेगा, आपसे टाइम पूछा है कितने टाइम के लिए करेंट फ्लो करेगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, W इज इक्वल टू ZIT, फैराडेस का फर्स्ट लॉ कहता था ये। ठीक है, तो W, Z का, Z क्या होता है, Z इज अ केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, कांस्टेंट, तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोलते थे। तो Z की वैल्यू क्या होती थी, एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500 कूलम। ठीक है, और इंटू करेंट इंटू टाइम। ठीक है, चलिए, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑफ सिल्वर, ये क्या है, सिल्वर मान लें, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो इसकी वैल्यू पता है कितनी है, बताइए, 1 पॉइंट नहीं, हाँ 1.50 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास सिल्वर का पता होना चाहिए, 108 ग्राम पर मोल है, वैसे एग्जाम में दे देते हैं ये लोग। ठीक है, एन फैक्टर सिल्वर के लिए, सिल्वर क्या बनाता है, Ag पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, जनरली एन फैक्टर 1 होगा इसका। ठीक है, इंटू 96500, और करंट, करंट बच्चा कितना पास कर रहे हैं आप लोग, 1.50 एम्पियर, इंटू टाइम, टाइम ही तो निकालना है। ठीक है, यहाँ से ही कैंसिल कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम क्या आ जाएगा बताइए, 96500 अपॉन 108। ठीक है, डिवाइड करिए, क्या आएगा आपका आंसर, तो 893.52, आप भी चेक कर लेना सेकंड, ये आएगा आंसर। आपको आर में चाहिए तो आप डिवाइड कर लेना 60 से, आपको आर में मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल था। अच्छा, सेकंड आ जाइए। ठीक है, ये तो पहले का सलूशन हो गया, दूसरे का सलूशन क्या है,
कहते हैं हाउ लॉन्ग इलेक्ट्रॉन सॉरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे एक मेटालिक वायर से जब आप 0.5 एम्पियर का करंट पास करेंगे दो घंटे के लिए. दो घंटे के लिए आपने 0.5 एम्पियर का करंट पास किया तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए उस दौरान, ये सवाल है. देखिए बहुत बेहद ही आसान सवाल है. क्या है, कहते कि पहले तो आप ये निकाल लो कि जब आपने 0.5 एम्पियर का करंट पास किया होगा तो उस दौरान चार्ज कितना फ्लो हुआ. चार्ज फ्लो हुआ पता चल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज से रिलेट कर देंगे. बहुत आसान है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जब वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कब, जब 96500 कूलम चार्ज होता है. तो अगर मुझे चार्ज पता चल जाए 0.5 एम्पियर पे कितना पास होता है तो फिर मैं उस हिसाब से निकाल लूँगा. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पहले मैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकाल लूँ. क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन पासिंग हाउ मच करेंट, 0.5 एम्पियर ऑफ करंट. ठीक, तो क्या बोल सकते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्यू दैट इज व्हाट आई इनटू टी कह सकते हो. करंट कितना है 0.5, कितने समय के लिए पास किया, दो घंटे के लिए. ठीक है, आप चाहते हैं सेकंड में बदल लीजिए तो इंटू सिक्सटी कर लो. ठीक है, तो जनरली सेकंड में ही लेके चलना पड़ता है तो आप कर ही लेना, बेहतर होगा आपके लिए. तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, कोई बड़ी बात तो है नहीं. क्या ही है 1/2, मतलब ये तो ख़त्म हो जाएगा और 3600 कूलम आ जाएगा. हम ये जानते हैं कि जब 9600 कूलम चार्ज पास होता है तो कितने वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं. जब 96500 कूलम चार्ज पास होता है तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है. वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो ऑन पासिंग द 96500 कूलम चार्ज. दिस इज 1 फैराडे, एग्जैक्टली यही होगा. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कितना है चार्ज बताओ. मेरे पास 96500 कूलम तो है नहीं, मेरे पास कितना है 3600 कूलम. तो मैं 1 कूलम में निकाल सकता हूँ ना कितना, 6.022 × 10⁻²³ अपॉन 96500. तो बच्चों 3600 कूलम में क्या होगा बताइए, 6.022 × 10⁻²³ अपॉन 96500 कूलम. और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3600, जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए. 36 किसी टेबल पे जाता है बताओ, सोचो. चलो ये कैलकुलेशन मैं तुम्हें देता हूँ. करने को तो कर सकते हैं, 36 कैंसिल कर दो इससे. ठीक है, तो ठीक है ये आंसर आपके लिए छोड़ देते हैं. कैलकुलेशन मेरा काम तो है नहीं, मैंने आइडिया बता दिया क्वेश्चन कैसे करना है. ऐसे ही आ जाएंगे क्वेश्चन आपको, इसी में घुमा फिरा के कभी मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया, कभी करंट पूछ लिया, कभी टाइम पूछ लिया, ऐसे ही आता है, कुछ अलग नहीं आएगा आपको. ठीक है, चलिए नोट करिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट. 5 तक काउंट करूँगा मैं, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अच्छा बच्चों ठीक है, अब आ जाओ फैराडे के सेकंड लॉ पे. फैराडे सेकंड लॉ, एक सेकंड देख लूं मैं चल रहा है कि नहीं वीडियो. ठीक है, चल ही रहा है. तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, सपोज करो आपके पास दो सेल हैं ऐसा. ठीक, यहां पर
मैं दो इलेक्ट्रोड जैसा कि करते ही हैं वो लगा देंगे। और इसको कनेक्ट कर दीजिए इधर, यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और यहाँ, ठीक है। ये इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए मीडियम के लिए, ठीक है। ये यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ ये नेगेटिव, तो ये वाला क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा। हालांकि कैथोड को कैसे डिसाइड करते हैं कि वो जगह जहाँ रिडक्शन होती है, और ये पॉजिटिव तो अपन ये क्या बोल सकते हैं, ये वाला साइड क्या होगा बच्चों, एनोड, ठीक है। सिमिलरली कैथोड है तो ये क्या होगा बच्चों, एनोड होगा, और ये क्या होगा, कैथोड होगा, सिंपल, ठीक है जी। तो ऐसा होता है, हम ये क्या है, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, समझिए ये ए है बी है सी है और डी है। देखो क्या कहता है कि ये कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा सेल अगर सीरीज में है तो होगा क्या कि उनके जो भी इलेक्ट्रोड है उस पर जो भी वेट डिपॉजिट होगा उसका जो रेशो है दैट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास। मैं लिख देता हूँ, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन द रेशो ऑफ, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन द रेशो ऑफ फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ द, अब ये भी लिख सकते हो फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू सेल, ठीक है, ये आप लाइन ऐड कर सकते हो, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू सेल, मोर देन टू सेल द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट, द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द रेशो ऑफ इज इक्वल टू द रेशो ऑफ व्हाट, रिस्पेक्टिव वेट्स, ऑन इलेक्ट्रोड। देखो लॉ तो समझने के लिए मतलब बड़ा सिंपल है, क्या कहते हैं कि जो भी ए पे वेट डिपॉजिट होगा, या जरूरी नहीं डिपॉजिट होगा, लिबरेट भी हो सकता है, मतलब पतला भी हो सकता है, जैसे कैथोड पे जमा होगा एनोड पतला होगा, ऐसा जनरली होता है। तो वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी एंड वेट ऑफ डी, वॉट एवर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, द रेशो ऑफ दैट सब्सटेंस, द रेशो ऑफ द वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, राइट। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये रेशो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास एट ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, इक्विवेलेंट मास ऑफ सी एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। फैराडे का सेकंड लॉ प्रूव भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने क्या रखा होता कि ये सोल्यूशन को मैंने मान लिया होता सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिल्वर के रॉड रखे होते, ये मान लीजिए सिल्वर है और यहाँ भी सिल्वर रॉड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रख दिया होता कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और ये भी आपका रॉड कॉपर है और ये भी रॉड कॉपर है, यानी कैथोड एनोड दोनों ही कॉपर के बने हुए, और जो आपका लेफ्ट साइड है दोनों ही सिल्वर के बने हुए, तो क्या होता बताओ। यहाँ पर अब हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं एनोड प्रोडक्ट कैथोड प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो देखिए
यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैथोड देखिए। कैथोड पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, रिडक्शन होता है। अब मेरे पास तो रिडक्शन के लिए क्या क्या है बताइए, इसमें कैथोड पे क्या हो सकते हैं? कैथोड पे जाता कौन है बताइए? कैथोड पे जाते कैटायन। तो ऑप्शन में क्या होगा बताइए आपके पास? एक तो पानी तो हमेशा ऑप्शन में होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। एक आपका क्या होगा? एजी होगा, सिल्वर रॉड है, और साथ में आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला है, तो नेगेटिव आयन क्या होगा? ये कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये है ऑप्शन ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं? एक सेकेंड रुकना बच्चों, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या मेरे से? हाँ गड़बड़ हो रही है क्या? थोड़ नहीं, ये तो एनोड के लिख दिया मैंने, ठीक है वही कह रहा हूँ, एनोड लिख लीजिए पहले, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? जनरली हम नेगेटिव आयन लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव आयन ये है, ये पानी तो ऑप्शन होगा, और सिल्वर रॉड है आपके पास। मैं एजी पॉजिटिव नहीं ले सकता, एजी पॉजिटिव भी है, पर बात ऐसी है कि पॉजिटिव जो है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आपके पास, अब बाकी लेना होगा ले लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये 21 नंबर होता है, ये 19 होता है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, ठीक है। और ये क्या है? 22 नंबर है, ठीक है। 22 है कि 20 है? 20 आई थिंक, फिर 20 नंबर है। ये 19 है, ये 21 है, 20। रिडक्शन किसका होता है? जो सॉरी ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो जितना ऊपर होता है नंबर में उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऊपर कौन है? 19 का नंबर कम है, मतलब इन सब में सबसे कम ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? एजी से क्या बनेगा? एजी पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अच्छा तो देखिए ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पर। कैथोड पे क्या होगा? अभी लेफ्ट हैंड साइड ही पढ़ रहे हैं हम। कैथोड पे क्या होगा बच्चों? कैथोड पे क्या ऑप्शन है रिडक्शन के लिए? एक आपका कैटायन एजी पॉजिटिव, एक है पानी, और दूसरा कोई कैटायन दिखता है क्या आपको? एक सिल्वर रॉड। देखिए रिडक्शन करनी है, मैं फिर से वही बोलूंगा, मैंने 19, ये 21 है, ये भी 19 ही लिया। कभी भी जो भी आपका पॉजिटिव आयन होगा उसका रिडक्शन होना आसान ही है, मतलब आसान है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन का जल्दी होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इट हैज ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? Ag पॉजिटिव क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? सिल्वर। देखो क्या होता है, आपका इसमें एनोड में, एनोड कौन सा? ये रॉड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, और Ag से क्या बनेगा? ये रॉड पतला होकर Ag पॉजिटिव बनाएगा और सॉल्यूशन के अंदर दे देगा। ये Ag पॉजिटिव यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी धीरे धीरे कैथोड वाला साइड मोटा होता जाएगा, एनोड पतला होता जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक है। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड में पूरा तो नहीं लिखूंगा, पर राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में ऐसा होगा कि कैथोड एनोड जो है ये वाला साइड जो है वो कॉपर का पतला होता जाएगा, और इससे क्या बनेगा बताइए? कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव बनेगा। ये कॉपर टू पॉजिटिव यहाँ जाके कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ जाके डिपोजिशन शुरू हो जाएगी, ये रॉड मोटा होने लगेगा, समझ रहे हैं? तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ रिएक्शन कि एनोड पर क्या होगा? कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव बनेगा एंड बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन, एंड एट कैथोड व्हाट विल हैपन? एट कैथोड कॉपर टू पॉजिटिव विल गेन टू इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल, वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैं प्रूफ की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? फॉर्मूला तो
आपने पढ़ा है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या डिपॉजिट हुआ है, सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, सिल्वर डिपॉजिट हुआ तो मैं क्या लिखूँगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 कूलम। ठीक है, अब मैं अगेन वेट ऑफ क्या लिखूँ, कॉपर, वेट ऑफ कॉपर इज वॉट, ये कहाँ है, राइट हैंड साइड में, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 कूलम। बच्चों जितना रॉड इधर से पतला होता है नोट से उतना ही कैथोड पे मोटा होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई अलग से नहीं लिखते। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि वेट ऑफ सिल्वर, अब मैं एक बात बताऊँ, मान लीजिए मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखो जितना करंट इधर फ्लो होगा उतना ही इधर, क्योंकि बैटरी एक ही है तो करंट तो कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम के लिए करंट पास होगा वो भी दोनों के लिए सेम होगा, तो टाइम भी कैंसिल कर दीजिए, 96500 सेम क्वांटिटी है कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या आया बताओ, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर सॉरी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इससे रेशो हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ना वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एंड वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एंड कॉपर रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फैराडेज सेकेंड लॉ। ऐसा है बच्चों, नोट करो, मैं जरा आप गैल्वेनिक सेल पे आऊंगा। फाइव तक काउंट कर रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बस। अब आ जाइए, फैराडेज सेकेंड लॉ तो हो गया, अब क्या करना है अपने को, अब मैं आ रहा हूँ गैल्वेनिक सेल पे, मेरा जितना भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल था उसका पोर्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब वो रिएक्शन जो अपने आप हो और उसके होने से एनर्जी निकले। ठीक है, यानी द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करते हैं, गैल्वेनिक सेल से पहले आप समझिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सबसे सिंपल गैल्वेनिक सेल उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये आप लैब में क्लास 10th में भी आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि हम क्या करें, कॉपर सल्फेट का सल्यूशन ले लें बच्चों, ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू होता है, क्यों होता है, ड्यू टू कॉपर टू पॉजिटिव आयन होता है, ड्यू टू कॉपर टू पॉजिटिव आयन होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर टू पॉजिटिव आयन, इसीलिए कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। जब मैंने इसमें जिंक की रॉड डाली, क्या डाला, जिंक रॉड डाला, तो ऐसा देखा गया, क्या देखा गया कि जिंक कॉपर जो है, जो कि शुरू में क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो बेसिकली कॉपर सल्फेट मतलब कैसे रहा होगा बताइए, कॉपर सल्फेट इसमें ऐसे रहा होगा, कॉपर टू पॉजिटिव सल्फर टू नेगेटिव, क्योंकि एक्वस सल्यूशन है तो अलग अलग होते हैं आयन, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, ऐसा आपको शायद ना दिखे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा है, कॉपर टू पॉजिटिव एंड सल्फर टू नेगेटिव की फॉर्म में, और इस कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो फ्री है इसी कारण उसके अंदर ब्लू कलर, अगर वो फ्री नहीं होता ना तो उसके अंदर ब्लू कलर भी नहीं होता। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप जिंक रॉड डिप करते हो होता क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कॉपर टू पॉजिटिव धीरे धीरे दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होने लगता है,
ये इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करता है? ये गेन तब करता है जब जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऐसा, ठीक है। तो देखिए, बिना एनोड कैथोड बताए हुए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गई, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है, ठीक है। तो सबसे सिंपल गैल्वेनिक सेल हो सकता है ये, मान लीजिए एनोड और ये मान लीजिए कैथोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया और क्या बनेगा बताइए, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस जिंक गिव राइज टू कॉपर प्लस जिंक टू पॉजिटिव, क्या हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन धीरे धीरे कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ब्लू कलर तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन की वजह से था, तो ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा, और जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक टू पॉजिटिव, और जिंक टू पॉजिटिव आयन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपका रॉड है वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा, ये ऐसे पतला हो जाएगा, और आपका जो ब्लू सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होगा, जिससे ब्लू कलर जो है फेड हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर होने लगेगा। अच्छा, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि अपने आप हो रही है, आपने कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, बस आपने डिप किया जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, एंड इट विल हैपन बाय इटसेल्फ, इट विल इनिशिएट बाय इटसेल्फ, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, राइट। जब ये रिएक्शन होता है ना बच्चों, मतलब रिएक्शन तो कैसा होता है बताइए, ये तो इस दौरान ना एनर्जी रिलीज होती है, क्या होता है, एनर्जी, एंड दिस एनर्जी रिलीज इज कन्वर्टेड, दिस कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही एनर्जी, हीट एनर्जी जो निकली है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, ठीक है, समझ में आई होगी बात। तो आ जाइए, अब वैसे सेल बनाते हैं अपन, गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक सेकंड देख लूँ मैं चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, आपके पास दो बीकर ले लीजिए, यहां इधर, एक साइड जिंक ले लो बच्चों और एक साइड कॉपर, कि कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हो। हाँ ठीक है, यहां मैंने क्या डाला, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, यहां कौन सी रॉड लगा दी, जिंक के, यहां क्या लगाया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहां क्या लगाया, कॉपर लगाया, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, बैटरी मत लगाओ यार, गलती हो गई, बैटरी क्यों लगाओगे, इसमें एनर्जी थोड़ी ना देनी है, ये तो गैल्वेनिक सेल है, इसमें तो एनर्जी निकलती है, देनी नहीं पड़ती। एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था और हम पढ़ रहे गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बच्चों, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाता है, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक इसका उल्टा करता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि अब हम कर रहे हैं। इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, मतलब रिएक्शन डू नॉट अकर बाय इटसेल्फ, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू इनिशिएट द रिएक्शन, राइट। इन दिस डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड द रिएक्शन, सॉरी हाँ, डेल्टा जी इज नेगेटिव, इट मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड हैपन्स बाय इटसेल्फ, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि यहाँ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था, यू नीड बैटरी टू कैरी आउट दैट रिएक्शन, राइट।
तो नॉन स्पॉन्टेनियस देख लेना बच्चों, और ये क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इतना जानना काफी है आपके लिए। अच्छा देखिए होगा क्या कि अभी तो देखो, अभी तो आपको एनोड कैथोड पता नहीं है, आप तो बैटरी देख के बता देते थे कि आपका जो पॉजिटिव है वो एनोड होता है, नेगेटिव कैथोड होता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या याद रखोगे, एक रूल याद रखोगे लोन का। लोन क्या होता है, लोन होता है कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा और एनोड क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा। यहां बच्चों एक बल्ब लगा है, बल्ब। ठीक है, होता क्या है कि रिएक्शन तो अपने आप होगा, जिंक की रॉड आपने किस में लगा दी, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, तो होगा क्या कि जिंक से, क्योंकि आपने, आपको पता तो है नहीं एनोड कैथोड क्या है, पर हाँ जिंक से, एक सेकंड बच्चों, हाँ यही होगा, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है, जिंक से क्या होगा, जिंक टू पॉजिटिव आयन बनेगा, ऐसा कुछ होगा। देखिए जिंक से जिंक टू पॉजिटिव आयन बनेगा बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहां जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, जिंक ने जिंक टू पॉजिटिव बनाया और दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहे हैं, तो जैसे ही जितने ज़्यादा जिंक टू पॉजिटिव इधर होंगे, देखो शुरू में क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, तो मतलब जिंक 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 सल्फेट 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 सब जगह, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से भी कुछ जिंक पॉजिटिव रॉड से पिघल के इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और कॉपर का ही रॉड है, तो होगा क्या, यहाँ से जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बना लेंगे, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो क्या होगा, कॉपर टू पॉजिटिव इसकी तरफ जाएंगे, तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और कॉपर बना लेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि ना ये वाला टर्मिनल तो हो गया नेगेटिव बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हमने बोला लेफ्ट ऑक्सीडेशन और एनोड क्या, नेगेटिव होता है, और ये वाला टर्मिनल बच्चों क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन हुआ क्या कि कॉपर टू पॉजिटिव इधर की तरफ आ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है, यहाँ क्या हो रहे हैं, कॉपर टू पॉजिटिव एक्युमुलेट हो रहा है धीरे धीरे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देखो जो जो नेगेटिव पार्ट है वो तो क्या हो रहा है, सीधा सोल्यूशन में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पॉजिटिव इकट्ठा होता जाएगा, तो ये होता है यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये होता है कुछ, जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यानी सर्किट में कुछ देर के लिए करंट फ्लो करेगा, ठीक, करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है, ये बल्ब जल जाएगा, ऐसे ग्लो करेगा, पर ये ग्लो कुछ समय के लिए करेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सारे के सारे जिंक जितना भी प्रेजेंट है वो जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर और जिंक नहीं बचेंगे और ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा,
ठीक है, ये बात छोड़ो अगले लेक्चर के लिए कि कुछ देर के लिए क्यों जलेगा, पर ये कुछ देर के लिए जलेगा ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया है कि आपका यहाँ जिंक है रॉड ही और जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया है, यहाँ कॉपर है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन, यहाँ से जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है और इलेक्ट्रॉन उधर को जा रहा है। ठीक है, तो और वो दो इलेक्ट्रॉन जब इधर को जा रहे हैं तो वो दो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर है टू पॉजिटिव आयन, उस वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है वो यहाँ डिपॉजिट हो जा रहा है, और वो जो डिपोजिशन है ये, तो यहाँ पर कॉपर टू पॉजिटिव जाने की वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ नेगेटिव जाने की वजह से ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो आप याद रखना लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, और फिर इस हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कैथोड क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ये क्या है, रिडक्शन हो रही है, पर यहाँ रिडक्शन क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पर वो है कौन सा टर्मिनल, ही पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो याद रखना इसका उल्टा कि अगर एनोड नेगेटिव है तो ऑब्वियसली कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा गलवैनिक सेल के लिए। तो ये भी एक चीज़ आ गई कि इसमें क्या होता है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, बाय कन्वेंशनली ऐसा ही होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन गलवैनिक सेल में इसका उल्टा, एनोड नेगेटिव एंड कैथोड क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, इसके आगे का आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में देंगे, अभी के लिए कर लो नोट और बाय बाय। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों कनेक्ट होने के लिए, और अब मैं कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर डालूंगा जिससे ये चैप्टर ख़त्म करें। ठीक है, फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।